गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य तीप्तासि कामादितरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जने दयावलोकय हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुत मंदमति दयांबरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक और हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसको सजा करके और दो बार रख लो आरती को सजा करके लास्ट में आरती होगी सजा कर रख लो एक बार सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एक बार आप लोगों बोलो मैं सुनूंगा जोर से बोलो यहाँ के भक्त बड़े अच्छे हैं सब हरिनाम जानते हैं बोले सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता ए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ हरे कृष्ण आज हम लोगों का कोई बीच में बात नहीं करे हरे कृष्ण कौन बात कर रहा है बीच में कोई बात मत कर आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का दिन है आज हम लोग ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम बोले हे परीक्षित ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है बोले एक जन्म नहीं जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो बोले बहु जन्म समोर जीते ना बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा कराने का और सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है
इसलिए गुरु जी कहा करते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में जन बल हो तभी वो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं कुछ भी नहीं हो अगर मन की बल हो, बोले भैया कोई बात नहीं करो आगे देखा जाएगा, जो काम को कर सकते हैं। लेकिन जगत में जो सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मबल है, आत्मबल है। लेकिन श्री गुरुदेव कहते हैं ये जो भागवत कथा आज सुन रहे हैं, न तो कोई पैसा की बल पर कर सकता है, न तो कोई जन बल पर कर सकता है, न तो कोई मन की बल पर कर सकता है, न तो कोई आत्मबल पर कर सकता है, जब तक श्री बांके बिहारी जी की गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो ये कथा कोई रख नहीं सकता, कथा कोई सुन नहीं सकता है। इसलिए समझो आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो सात सात दिन तक ये भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को भी यही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, किमि सदा भया एको मारा, किमि सदा शंकर जी कहते पार्वती इसी जगत में ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ा दुर्लभ है ये भागवत कथा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। हाँ ध्यान देकर सुना, ये सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित आज जो हमें सौभाग्य मिला है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाने जा रहे थे, हमारी बात छोड़ दो, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता उतर करके आए और खाली हाथ में नहीं आई, वो अमृत कलश को लेकर के आई। बोले हे सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो, बोले इसको श्रृंगिरी ने अभिशाप दिया ये 7 दिन में मरने वाला है। बोले कोई चिंता नहीं, हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये अमृत कलश लो और उनको पूरा पूरा पिला दो और ये परीक्षित अमर तो की प्राप्त करेगी, लेकिन हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो उदाहरण देते हैं, को काच को मणिर महान, अगर कोई कांच की टुकड़े लाए, बोलिए कांच की टुकड़े तुम ले लो, तुम्हारे पास में जो मणि वो हमें दे दो, आप दोगे कि नहीं बोलो, दोगे दोगे कि नहीं बोलो, नहीं दोगे ना। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं ये जो भगवान की कथा है इसको साधारण मत समझो, भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, ये ठाकुर जी की कथा नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी है। ये भागवत कौन है, बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में श्री उद्धव जी बोले, बोले हे प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरी क्या होगी। कृष्ण बोले उद्धव कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे रूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु किस रूप में रहोगे, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साक्षात श्री बांके बिहारी से हम मिल रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले कहाँ भगवान की कथा,
ये कथा नहीं, वो स्वयं बांके बिहारी और ये स्वर्ग का अमृत को बराबर कर रहे हो। बोले स्वर्ग अमृत पीने से क्या होता है? बोले पुण्य क्षय होता है। बोले ये देवता लोग कब तक स्वर्ग में रहते हैं? बोले जब तक इनके पुण्य खत्म नहीं हो जाते। पुण्य खत्म होने पर ना धक्का मारकर फिर संसार में जा देते हैं। इसलिए स्वर्ग का अमृत पान करने से पुण्य क्षय होगा, लेकिन भागवत कथा सुनने से पुण्य बढ़ेगी। पुण्य बढ़ेगी स्वर्ग अमृत पान करने से। जिंदगी भर जिंदा नहीं रह सकते हो, एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन भागवत कथा सुनने से हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा नहीं सुना, बोले भाग जाए यहाँ से, कथा सुनने के लिए आए हो। देखो इसका मतलब है, बच्चों बात नहीं करना, ए बच्चे बात, इसको इनको पीछे भागा दो, चुप करके बैठो यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर श्री इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं, कहते हम लोग देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा है। ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, हम देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, क्यों? देवता लोग अमृत तो पूरा दे करके भी कथा नहीं सुन सके, अरे हम लोग बिना पैसा की कथा सुन रहे हैं, मतलब हम देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, ये जो भागवत कथा ये ब्रह्मलोक में भी नहीं। बोले ब्रह्मलोक किसको कहते हैं? देखो हमारी जो जगत है ना, ये पृथ्वी लोक है, भूलोक है, उसके बाद में भूव, फिर स्वर्ग, फिर मोह, जन और तप। तप लोक में पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान कहते तपलोक है। कहते भैया वो वहां भी कथा सुनने को नहीं मिलती है। अगर ब्रह्मा जी को कहीं पता चले ना कथा हो रही है, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को कहते, बोले ब्रह्माणी जल्दी जल्दी तैयारी हो जा, ऐसे नहीं कथा सुनने के लिए जब तैयारी हो तुम बोलोगे मैं श्रृंगार कर रही हूँ, कपड़ा पहन रही हूँ, इसलिए पहले से रेडी होकर रहना, इसलिए जल्दी जल्दी भागवत कथा में जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहारी, कथा है तो मेरी भावना बिहारी, सुनी बस सार दे आप कथाए, सुनी बस सार दे आप कथाए, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कितने कितने दूर से आए हो? कोई एक किलोमीटर, कोई आधा किलोमीटर, कोई दस किलोमीटर, और कुछ लोग फरीदाबाद से भी आए हैं। कितना किलोमीटर यहाँ से होगा? 20, 40, 50, 100 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन जो भागवत कथा हो, जानते हो ब्रह्मा कहाँ से आते हैं? बोले ब्रह्म लोग उसे करोड़ों किलोमीटर दूर से, ऐसे नहीं ढाई मतलब दौड़ दौड़ करके। बोले क्यों दौड़ दौड़ करके आते हैं? बोले उनको पता है कि भागवत कथा की कितने महिमा उनको पता है, इसलिए ये ब्रह्म लोग छोड़ करके आते हैं। कहते भैया अकेले नहीं आते, अपना ब्रह्माणी को लेकर के आते हैं, अपना पत्नी को लेकर के आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, ये कथा कैलाश लोक में भी नहीं। अगर शंकर जी को कभी कथा सुनना है ना, अब रामायण पढ़ करके कभी देखना, शंकर जी कैलाश छोड़ करके अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर और सती दोनों कथा सुनने के लिए आए थे। जब कथा सुन करके जा रहे थे शंकर और सती, इतने में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया था। उसी समय में भगवान राम, हा सीते तुम कहाँ हो, सीते को वो ढूंढ रहे थे। इतने में भगवान राम दूर से प्रभु को प्रणाम किया और दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती की शंका हो गई, शंकर जी से पूछे प्रभु आप किसकी परिक्रमा कर रहे हो, आप किसको प्रणाम किसको कर रहे हो, जो पराग पर परम ब्रह्म राम की कथा हमें सुनाते हो, ये क्या वही राम ना साधारण जीव है?
शंकर जी ने समझाने के लिए कोशिश की, पार्वती बोली प्रभु मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, आप बोलने पर थोड़ी मैं सुन लूंगी, मैं सुनने वाले ने मैं परीक्षा करूंगा। देखो यहाँ पर कहते हैं आप दुनिया को समझा दो, लेकिन जो पांच प है ना उनको नहीं समझा सकते हो। जान तो पांच प कौन है? पहला नंबर पत्नी। देखना पति का बात सारा दुनिया सुनता है लेकिन पत्नी नहीं सुनती। पत्नी हर समय पति को समझाती रहती है, बोली हमारी बात ही नहीं सुनते, इनको ठक ठक कर सब ले जाते, इतने ये ऐसे है। इसलिए देखना दुनिया को बतो लेकिन पति को, जो पत्नी है पति का बात नहीं सुनता। दूसरी नंबर पुत्र, तीसरे नंबर पुत्री। देखना दुनिया को पढ़ा लो, दुनिया को कुछ बोल दो लेकिन बेटा बेटी बात नहीं सुनते, पढ़ते नहीं। चौथा नंबर परिवार वाले। देखना दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगा, परिवार में कोई इज्जत नहीं तुम्हारी होगी। पंचवा नंबर पड़ोसी। देखना सारा दुनिया में तुम्हारी मित्रता होगा, पड़ोस में लड़ाई तुम होगी, पास में जो रहता होगा तुम्हारे साथ लड़ाई होती होगी। इसलिए शंकर जी पार्वती को समझाए लेकिन सुनी नहीं, बोले ना मैं परीक्षा करने जाऊंगी, बोले जाओ परीक्षा करो। इतने में सती ने माता सीता के रूप धारण करते हुए परीक्षा करने के लिए गई। इतने में भगवान को समझ गए, भगवान राम समझ गए, बोले माता जी शंकर तो उधर चले गए, अब इधर से कैसे आ गए वो? बोले प्रभु तो समझ गए। फिर उन्होंने प्रणाम करके जब खड़े हुए ना, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, जहां देखे सर्वत्र सीताराम सीताराम सीताराम। मतलब भगवान राम बोले देखो सती मैया सीता हमसे कोई अलग नहीं, हम दोनों एक ही है, केवल हम ये लीला कर रहे हैं। खैर तो उन्होंने पति को पास में डरते हुए गई, बोले देखो अगर हमसे कोई भूल हो जाता है ना स्वीकार कर लिया, भैया हमसे ये गलती हो गई। आप देखना एक गलती को छुपाने के लिए जाओ ना 100 झूठ बोलना पड़ेगा। फिर शंकर जी पूछे सती को, बोले परीक्षा ली है? बोले प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो? शंकर जी ने देखा सती ने कौन सा रूप लेकर के परीक्षा की, जब ध्यान लगाए ना देखा इसने माँ सीता के रूप धारण की। बोले मेरे माँ सीता के रूप तुमने धारण की? तब से शंकर जी हृदय से पत्नी रूप से उनको परित्याग करते, अभी उनको माँ और उनकी आराध्य देवी रूप में उनको स्थान देती हैं, शंकर जी देते हैं। हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं। देखो जो कथा है कहती ये कैलाश लोक में भी नहीं है, जब शंकर पार्वती को इच्छा हो कथा सुनने के लिए उन्होंने कैलाश छोड़ करके भी कथा सुनने आते हैं। हाँ देखो ध्यान दे करके यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो कथा सुनने अकेले मत जाओ, देवता लोग आए अकेले नहीं आए, तो देवियों को साथ में आए, ब्रह्मा जी आए अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी को साथ में आए, शंकर जी आए अकेले नहीं आए, किसको साथ में आए? उन्होंने माता पार्वती को लेकर के आए। कहते ये जोड़े जोड़े क्यों आते हैं, अकेले क्यों नहीं आए? इसका बड़ा रहस्य है। इसका रहस्य ये है, जैसे आप लोग 7 दिन तक सत्संग भागवत कथा सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा ये मानव शरीर क्या है, कितने भाग्य से भगवान हमें ये मानव शरीर दिया, ये सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है। कहते 84 लाख जन्म के बाद में ये शरीर हमें मिलता है। कहते ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति की दरवाजे पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु का भजन हम कर सकते हैं। भजन करके जन्म मृत्यु दुख कष्ट से इसी जीवन से ही मैं ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब ये कथा को हम सुनेंगे, जब ज्ञान होगा, फिर क्या करेंगे, हम समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे, टीवी देख करके चुगली करके इधर उधर से समय नष्ट नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रभु की भजन करना शुरू करेंगे, भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे। अगर केवल माताएं अगर कथा सुनने के लिए आओ, 7 दिन में तो तुम्हें ज्ञान होगा, जीवन दुर्लभ, भजन करनी चाहिए। अगर पति लोग नहीं आएंगे ना परेशानी रहेंगे, अगर आप थोड़ी सी भजन गले में कंठी तिलक पहनो पति क्या बोलेगा, बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई तू, पहले बोलती थी सिनेमा में चलो, अभी बोलते सत्संग में चलो, वृंदावन में चलो, जब देखते हो तभी तुम ये रामायण ठाकुर के लेकर बैठ जाती हो। अगर पति आए कथा सुनने के लिए उनको पर भी रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा तो जो भजन करेंगे पत्नी क्या बोलेगी,
बोले कोई काम धाम नहीं, जब तक गीता भागवत रामायण लेकर बैठ जाते हो। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ ना, ये दोनों को भरदंग चढ़ेगी। फिर दोनों चढ़ेगी तो गाड़ी दो पहिया में चलती है ना, एक पहिया में नहीं दो पहिया में गाड़ी चलती है। अगर दोनों सुनोगे तो दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी, कल तुम्हारी घर गृहस्थ भी बढ़िया हो जाएगी। दोनों ही वृंदावन जाओगे, दोनों ही भागवत सुनने जाओगे, दोनों ही भजन करोगे, दोनों ही आनंद आना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण। हम लोग कोई बोल नहीं रहे हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। और अगर जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते ये शिव लोक की कथा छोड़ दो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा कहते वैकुंठ नास्ते रस, कहते ये रस वैकुंठ में भी नहीं। अगर जब गरुड़ जी की इच्छा हो हम कथा सुनना चाहते हैं, कहते ये गरुड़ भी वैकुंठ छोड़ करके इसी मर्त्य जगत में आते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले गया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भुसोड़ा, राम इसलिए काक भुसुंडी को पास में गरुड़ वैकुंठ छोड़ करके कथा सुनने आते हैं। अब लोगों का सौभाग्य देखो, कितने हम लोग भाग्यवान हैं। देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग त्याग करते हैं, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक त्याग दिया, शंकर जी कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़े, गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़े। आप बताओ ग्रेटर नोएडा के भक्त वृंद कथा सुनने के लिए कुछ छोड़े हो? आप लोग कुछ ही नहीं छोड़े। अरे ये कथा रूपी गंगा वृंदावन में बहते हुए थे, आपके घर के सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ कर कथा रूपी गंगा में नहा लिए। कोई ताली नहीं बजा रहे हम लोग हाथ की, हम लोगों ताली वगैरह नहीं आता है। इसलिए कथार भी गंगा में घर में बैठ बैठ करके नहा लिए, इसका मतलब है हम लोग बड़े पुण्यात्मा है, बड़े पुण्यात्मा जो कि भागवत कथा को सुन रहे हैं। इसलिए शंकर जी ये बात को पार्वती को कहते, पार्वती सत संगति दुर्लभ संसारा। जब उन्होंने ये बात को बोले, इतने में फिर पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप कहते हो भागवत दुर्लभ है, दुर्लभ कहानी देखो सुलभ हो गया कि नहीं, सुलभ हो गया कि नहीं, कथा यहाँ पर हो रही है, आप दुर्लभ कहाँ से बता रहे हो? यहाँ पर जो कथा करवा रहे हैं हमारे प्रभु जी, घर घर में जा करके नौता दे करके आएंगे, हैं सब जगह में बोले होंगे भागवत कथा होगा, आप लोग आओ कथा सुनने के लिए, सब बोले कि नहीं, सबको बोले होंगे। लेकिन शंकर जी पार्वती को कहते, पार्वती सब तो करेंगे लेकिन कोई आएगा नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं, बोले आवत यही सरती कठिनाई, आवत यही सरती कठिनाई, कृपा भी आई न जाए, राम कृपा। शंकर जी कहते पार्वती, ये जो सत्संग भागवत कथा में
हाँ बत यही सर अति कठिनाई, यहाँ सहज में कोई नहीं आएगा। बोले गृह कार जो अति जंजाला, इसको कथा सुनने के लिए बोलो, बोले ये रह काम रह गया था, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये अमोह काम रह गया था। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती कौन कौन व्यक्ति कथा में आते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही असंगत सही। पार्वती जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए वही व्यक्ति ये कथा सुनने आ सकते हैं। लेकिन अगर किसको पता चले यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, हेमा मालिनी आज यहाँ पर आई है, ऐश्वर्या राय यहाँ पर आ रही है, अमिताभ बच्चन यहाँ पर आएगा, अगर पता चलता तो बताओ यहाँ खड़े होने की जगह मिलता, मिलता कि नहीं? दो तीन घंटा कितना घंटा पहले से आकर यहाँ पर सब नंबर लगाते, अगर टिकट अगर 1000 रुपया हो ना तब टिकट भी नहीं मिलता है कि नहीं? इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, भगवत कथा में सहज में नहीं आएंगे कोई, लेकिन अगर इधर उधर की चीजों सब आ जाएंगे। इसलिए शंकर जी को पार्वती बोले प्रभु फिर कौन आते हैं ये कथा सुनने के लिए, कौन आ सकते हैं? बोले कथा सुनने के लिए सभी नहीं आ सकते हैं। बोले अति हरि कृपा जा पर होई, 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 आब गई इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे कृष्णा उनने बंसी बट को नीचे भगवान कृष्ण ने बंसरी बजाई। आप बताओ ब्रज में कितने लोग नहीं थे, कितने लोग ब्रज में नहीं थे, लेकिन ये बंसुरी की आवाज सबको कान में नहीं पड़ी है, सबको कान में पड़ी बंसुरी की आवाज नहीं। किसकी कान में बंसुरी की आवाज पड़ी है? बोले ये केवल गोपियों को कान में ही ये आवाज पड़ी है, सबको कान में आवाज नहीं पड़ी। इसलिए रासलीला में सभी नहीं आए, केवल गोपियां आई। बोले गोपियां क्यों आए? बोले कारण है कृष्ण उनको बुलाना चाह रहे थे तभी तो आए ना। कृष्ण जिसको बुलाना नहीं चाह रहे तो वो नहीं आए। उसी तरह उदाहरण देते हैं, जैसे आपके घर में शादी हो रही है, आप बताओ शादी में कौन आएगा जिसको आप निमंत्रण दो? अगर वो व्यक्ति अमेरिका में क्यों नहीं हो, लंदन में नहीं क्यों हो, हाँ कहीं भी विदेश में क्यों नहीं हो, अगर आप बुलाओगे ना इतना दूर से वो आपके पास में शादी में आएगा। लेकिन तुम्हारी घर को पास में किसका घर है? दीवाल 9 इंच का दीवाल, पास में कोई घर है, आप इसको नौता नहीं दोगे, आप बताओ वो आएगा कि नहीं? अरे बोलो आएगा कि नहीं? नहीं आएगा ना। कारण किया, आप उसको नौता दिए ही नहीं। इसका मतलब है ये भागवत कथा में जो आए ना ठाकुर जी, आपको नौता दिया है ठाकुर जी, आपको निमंत्रण दिया तभी कथा में आप लोग आप आए हो। ठाकुर अगर निमंत्रण नहीं देते ना आप कभी कथा में आ ही नहीं सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ देखो अभी यहाँ प्रश्न होता है, जैसे ये श्रीमद् भागवत कथा हम लोग 7 दिन तक श्रवण करेंगे, हमारी प्रश्न होता है ये 7 दिन तक हम क्यों 2-2, 3-3 घंटे यहाँ पर बैठे? अगर ये समय को और अगर किसी बिजनेस में कोई काम में समय देते तो हमें कुछ तो मिलता ना। लेकिन यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा क्यों बैठेंगे, हमें मिलेगा क्या? लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये भागवत कथा में तुम्हें जितने प्रॉफिट होने वाले ना, जितने लाभ होने वाले दुनिया में और कोई बिजनेस में तुम्हें इतने लाभ होने वाले नहीं। इसलिए मीरा जी कहती है ना, बोले दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने,
राम रतन धन पाल। इसलिए मीरा जी कहती हैं ये भक्ति रूपी जो बिजनेस है ना, ये दीन दीन बढ़त सबाए, इसमें कभी तुम्हारी नुकसानी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सब कुछ बढ़ते रहेगी भक्ति में, ये कभी घटेगी नहीं भक्ति। इसलिए राधा रानी खुद जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण मिले ही नहीं, गोपियों ने देखा भगवान को, उनकी भजन सबसे प्यारा है, चलो हम यमुना किनारा में बैठेंगे और उनका कीर्तन गाएंगे। जब ये कीर्तन गा रही थी, कीर्तन करते करते उसमें एक श्लोक बोले, बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसको सुनने से 7 लाभ होगा हमको। कितना फायदा होगा जोर से बोलो, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, और जो मेरे को बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है ना। कथा ध्यान से सुनना और सुन करके घर में भी सबको सुनाना, क्या लाभ है भागवत कथा से। ये बात को कौन कह रही है? मैं नहीं कह रही हूँ, राधा रानी कहती है। बोले क्या लाभ है? बोले तब कथा अमृत कहते कथा सुनने का पहला लाभ है ये अमरत्व तो आपकी प्राप्त होगी। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा, क्यों? शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाई थी। अब लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन गए हाथ उठाओ तो, कौन कौन अमरनाथ गए? कौन आप गए हो? हाँ, कौन कौन जाना चाहते हो बताओ, सबके एक बार ले जाएंगे घुमाने के लिए ले जाएंगे। हाथ भी नहीं उठा रहे हो, पर जाओगे कैसे वहां पर? कम से कम इच्छा तो प्रकाश करो तभी तो जा सकते हो। इसलिए अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी वहां पर वटवृक्ष है, अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी माता पार्वती को बैठा करके ये अमर कथा सुनाए थे। बोले ये अमर कथा क्यों सुनाए थे, कारण क्या? बोले कारण है, एक दिन नारद जी बड़े कौतुक है, एक दिन नारद जी कैलाश में पहुंचे, माता पार्वती बड़ी सेवा की, इतने में नारद जी पूछे माता जी सब ठीक ठाक हो ना, घर में कुशल मंगल है कि नहीं? बोले बेटा हम बड़े खुशी है। बोले कैसे? बोले देखो वही पत्नी सुहागिनी है जिसको पति बड़ा प्रेम करता है, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, कहीं भी कथा सुन करके आए सबसे पहले मेरे को बैठा करके ही कथा सुनाते हैं। इसलिए आप जितने रामायण भागवत जितने पुराण देखोगे सारे पुराण शंकर जी पार्वती को सुना, वक्ता स्वयं शंकर है, पार्वती स्वयं श्रोता माता पार्वती है, मतलब मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, मेरे को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं, हैं? बट इसलिए शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। लेकिन नारद जी तो झगड़ा लगाना, झगड़ा नहीं भागवत को सृष्टि करना, इतने में नारद जी तो छेड़ दिए। बोले देखो पार्वती आप तो कहते हो आपको प्रेम करते हैं, लेकिन लगता है उनका प्रेम में कुछ कपटता है। बोले क्यों? बोले आपको पता है शंकर जी की दूसरी पत्नी भी कहीं है, वो अन्य किसी को ही प्रेम करते हैं, पत्नी आपको पता है? ये बात सुनते ही देखो माता है ना, हर चीज हजम कर ले, लेकिन अगर उनको पता चले मेरे पति अंदर अंदर में और किसको प्रेम करते हैं, ये चीज को माता सहन कर सकती है? कभी कर ही नहीं सकती, हर चीज को संसार का जितने दुख कष्ट को सहन कर लेगी, लेकिन ये चीज को कभी सहन नहीं कर सकते पति और अंदर में किसको शादी करके रखे दूसरे को छुप करके प्रेम करते हैं, ये पत्नी कभी भी सहन नहीं कर सकती। पार्वती सुनते ही तो भड़क गई, बोले क्या बोल रहे हो? बोले मैं सही बोल रहा हूँ। बोले प्रमाण क्या है? बोले आज ही प्रमाण तुम्हें मिल जाएगी, जब शंकर जी आए आप जाकर मान भवन में लेट जाओ और शंकर जी को एक प्रश्न करना, सारे रहस्य निकल जाएगी। बोले बताओ। बोले उनको ये प्रश्न करना, उनकी गले में जो मुंडकी माला किसकी है,
और हर समय क्यों उसको पहन कर रखते हैं? इतना पूछ लेना, ऐसे नहीं कहेंगे तीन बार कसम पिला करके। नारद तो झगड़ा लगा करके वहां से भाग गए। नारद जब जा रहे थे, शंकर जी उस समय आ रहे थे, इतने में शंकर जी बोले, नारद बाबा थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। बोले आज मेरे पास में समय नहीं। समझ गए होना कुछ, लड़ाई तो लगा करके नहीं गए। सचमुच से जब घर में आए ना, देखा माता पार्वती तो मान भवन में लेट गई। जब उसको ऊपर ऐसे हाथ रखे ना, पार्वती तो हाथ को ऐसे फेंक दी। बोले बता पार्वती क्या हो गया, आज मान क्यों की? बोले पहले तो मैं सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन आज हमें पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले मतलब कपटी बाबा कैसे? बोले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। बोले बोलो क्या प्रश्न है? बोले पहले तीन बार कसम खाओ। तो उनने तीन बार कसम खाई। बोले प्रश्न क्या बोलो? बोले ये गले में मुंडे की माला किसकी है? आप इसको उसको पीछे लेकर बैठ जाओ, पीछे ले जाओ। इसलिए ये गले की मुंडे की माला किसकी, सब समय इसको क्यों पहनते हो? मैं देखा कभी नहीं उतारते हो। मैंने सुना आप अंदर अंदर में और किसको प्रेम कर रहे हो? अभी तक ये बात मेरे को आपने बताया नहीं। बात बताओ ये मुंडे की माला किसकी है? बोले देखो पार्वती, मैं दूसरों को तो प्रेम करता हूँ, बात सही है अंदर अंदर में, लेकिन तेरे सिवाय और किसको मैं प्रेम नहीं करता। बोले कैसे? ये मुंडे की माला किसकी? बोले तुम्हारी। बोले मेरी कैसे? बोले पहले जन्म में तुम सती थी, लेकिन तेरे पिता मेरे को अपमान किया है, इसलिए हरिद्वार की कनखल में तुमने ये शरीर को त्याग दी। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्म से तुम ये शरीर त्याग देती हो पार्वती? तेरी जैसे श्रोता जगत में कोई नहीं है, क्योंकि मैं जब कथा सुनता हूँ तो बड़ी प्रेम से ये कथा सुनती हो। इतने में बोले आपकी मेरे, बोले बता फिर, पहले जीवन में सती थी तो मैंने शरीर त्याग दी, जब जब शरीर त्याग देती हो तब तक तेरे सर को मैंने गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप तो कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, पता चला आप तो बहुत बड़े कपटी निकले। बोले कैसे? बोले ये बताओ आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान की जो अमरत्व की प्राप्ति की और मैं मरती जा रही हूँ? देखो शंकर स्वयं कहते, बोले जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा अमर बोटी को मैंने पान की, तब से मैंने ये अमरत्व को तब से मैंने प्राप्त की। पार्वती बोलती है प्रभु आप तो अमर बन गए, मैं मरती हुई जा रही हूँ, आप भी कृपा करके वो कथा मेरे को सुना दो, फिर दोनों अमर बन रहेंगे, फिर आनंद में रहेंगे। बोले देखो पार्वती चलो मैं तुमको अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। उन्हें पार्वती को लेकर गए। बोले जब कथा सुनाऊंगा हुंकार भरते रहना, पता चले कोई कथा सुन रहे हैं, क्योंकि मैं भाव से कथा सुनाऊंगा। आंख बंद करके शंकर जी जयकार लगाए, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी। ये लोग कोई जय कोई है बोल रहे हो? अरे जोर से जयकार दो, पता चला कथा चल रही है। जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी। हाँ अभी कुछ लगता है कि जयकार में आनंद आया है। इतने में शंकर जी कथा कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते इतने में माता पार्वती बीच में सो गई। जब सो गई उसी वृक्ष के ऊपर में के तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो कथा सो गई, शंकर जी तो अभी कथा बंद कर देंगे, क्यों हुंकार बंद हो गई? बोले मेरी भी कथा अधूर रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरते रहा। बोले बड़ी प्यारी कथा, उसको बात में क्या हुई, आगे की कथा सुनाओ। शंकर तो बोले बाबा वो सुनाते 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 जा रहे। जब कथा की विश्राम हो गई फिर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब जयकार दिया ना नींद खुल गई। पार्वती बोली उसको बाद में किया हुआ? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले विश्राम कैसे हो गई, मैं तो सो गई थी। बोले सो कैसे गई थी, अभी तो ओंकार भर रही थी। बोले नहीं मैंने ओंकार नहीं भरी, मैं तो बीच में सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो अमर बन जाएगा। अब देखना कृष्ण जैसे गीता की उपदेश देते हैं ना, बाद में क्या कहते हैं? बोले अर्जुन मैंने जो ज्ञान की बात बताई न अभक्ताय कदाचन अभक्त मत कहना, ये कथा रूप में मैं ही स्वयं हूं। इसलिए अभी शंकर जी सोच रहे हैं
अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन करके अमर बन जाएगा फिर क्या होगा, दुनिया के लिए हानिकारक होगा। शंकर जी देखे कौन इच्छुक करके ब्रह्म ज्ञान धारण किया, देखा वो वृक्ष को पर में के तोता बैठ कर कथा सुन रहा हूँ, तो तुमने ये ज्ञान की अपहरण की, छुप करके शंकर जी त्रिशूल उठाए और इसको मारने दौड़े और तोता उड़ते जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे करते करते जब पहुंच गए कहाँ पर, बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ गए हो, कौन कौन बद्रीनाथ गए? अब लोग कहीं भी नहीं गए, घर की चौका बर्तन में लगे रहते हो, सबके एक बार सब धाम ले जाएंगे, ठीक है, सबको घुमा करके ले आएंगे। जब उन्होंने बद्रीनाथ में पहुंचे इतने में देखा वहां पर व्यास देव भी अपना पत्नी बिटका को यही कथा सुना रहे थे भागवत, और बिटका क्या कर रही थी, जैसे होता ना कोई आश्चर्य चीज सुना मुंह खोल कर सुनते है ना, इतने में तोता गया और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी अंदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी हाँपते हाँपते पहुंचे, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। व्यास देव जी बोले, भोले बाबा कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, शरीर से पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा को सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या होता है? बोले जो मरेगा नहीं। बोले अब फिर आप पीछा क्यों कर रहे हो, लगता है सचमुच से आप भोले ही हो। शंकर जी भोले बाबा है ना, बोले लगता है सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो अमर तक को प्राप्त करेगा। कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ। बोले जब सुन गई उसने तो अमर बन गया, फिर आप उसको पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी ने सोचा अभी तक तो मेरे को याद नहीं था ये बात। तब से शंकर जी सोच रहे हैं अगर ये तोता कोई साधारण होता तो कभी भी कथा में नहीं बैठ सकता है, कभी भी नहीं बैठ सकते कथा में। कहते करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी कथा में रुचि होती है, नहीं तो प्रभु की कथा में रुचि किसी की नहीं होती है। आप देखना टीवी में उल्टा पुल्टा सीरियल आए, झूठे चीज आए, तीन तीन घंटा बैठ कर देख लेते हैं झूठा चीज को, लेकिन भगवान की कथा को कौन सुनते हैं। बोले जरूर ये पुण्य जन्म पूर्व जन्म में कोई विशेष पुण्य किया है तभी उसने कथा सुनी। शंकर जी ध्यान लगाए तो उन्होंने सब कुछ उन्हें देख लिया। बोले क्या देखा है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतक नरहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहती ये कोई सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की ये निकुंज मंदिर में ये रहने वाले। कभी कभी राधा रानी सुंदर अनार की दाना खिलाया करती थी, तो उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। बोले बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोलती थी कृष्ण कृष्ण। एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में चार लाइन का उन्होंने एक श्लोक को पढ़ा, वो जो तोता इतना विचक्षण इतने चतुर तोता था, एक बार केवल श्लोक सुना वो श्लोक उसने रट लिया। रट करके कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन भी करती थी कृष्ण रूप मान करके, इसलिए राधा रानी की अधरामृत वो तोता की थोट में लगा हुआ। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, जब से परीक्षित महाराज आए 100 साल 2 साल 5,000 साल के थे, लेकिन जब कथा सुनी है ना नंगे धड़ंगे कोई कपड़े है नहीं शरीर में, सबसे छोटे बच्चे से कहते सुने। बोले क्यों? बोले राधा जी की ये प्रिया तोता है, राधा रानी की अधरामृत उनकी थोंटे में लगे हुए हैं, इसलिए बोले श्रीमती राधा रानी की। एक दिन वो उड़ते उड़ते कहाँ चले गया, उड़ते उड़ते चला गया नंदगांव। नंदगांव में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया और बैठ करके बड़े सुंदर राधा जी की भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल, बोल राधे 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 का नाम अनमोल, बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोल राधे 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 का नाम अनमोल।
इसको छोड़ करके कृष्ण तो चौंक उठे, बोले राधा रानी की गला की आवाज इतने सुलील, इतने मीठी आवाज से कौन भजन गा रहे हैं। देखा है कि तोता बैठ करके गा रहा था, कृष्ण वो तोते को बुलाया, वो तोता उड़ते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बताओ तो अभी क्या बोल रहा था। उन्होंने चार लाइन की एक संस्कृत श्लोक उन्होंने बोला, बोले दुराप अपवर्ती न, बड़े सुंदर श्लोक था। इसका मतलब है राधा रानी कह रही ने, मेरे तो कृष्ण का प्रति प्रेम हो गया, लेकिन कृष्ण कौन है। बोले ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, कि कोई साधारण है। लेकिन अभी कृष्ण से मेरी प्रेम हो गई, लेकिन वो तो बड़े दुर्लभ पुरुष है। अब ये दुर्लभ पुरुष को मैं कैसे मैं प्राप्त करूं। जब वो तोता के मुंह से ये श्लोक सुने, बोली कि तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है और राधा रानी की गले की आवाज जैसे एक उन्होंने सोने के पिंजरा बनवाए और पिंजरा में को तोते का घर दिए। अभी राधा रानी बड़ी दुखी, मेरी तोता कहाँ उड़ते हुए चला गया। एक माधुरी का नाम का सखी थी, बोले देखो तो मेरे तोता कहाँ मर गया। जब उसने नंदगांव में आया, देखा कृष्ण हाथ में बैठा कर बड़े लार लगा रहे, बड़े प्यार कर रहे हैं और उसको बड़े सुंदर उनको अनार की दाना खिला रहे थे। वो सखी आकर के बोली, श्याम सुंदर, ये हमारी राधा रानी की पालता तोता, दे दो उसको। बोले अगर तुम्हारी राधा जी की पालता तोता है, बोला अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारी हाथ में चले गए, समझेगा भैया तोता तुम्हारी, तुम ले लेना। बोले कृष्ण, तेरा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है। बोले जो विश्व ब्रह्मांड को अपना प्रेम भक्ति को द्वारा जो आकर्षण करते हैं वो कृष्ण है। बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तुम्हारी हाथ में बैठ जाए और तुम उसको प्यार दो, अनार की दाना खिलाओगे, तेरे को कभी छोड़ सकता है, कभी तेरे को कभी छोड़ ही नहीं सकता है। बोले भैया अब समझो तोता मेरा, तुम ही जाओ। अभी वो गया मैया जसोदा के पास में, बोले मैया राधा रानी की तोता उड़ते हुए आ गया, कान्हा ने पकड़ लिया, देना नहीं चाहता। और राधा रानी तो बड़ी दुखी है। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचरण करने जाएगा पीछे से मैं भेज दूंगी। कृष्ण जब गोचरण करने के लिए जाए, बोले तोते को मैं साथ में ले चलूंगा। मैया बोले पागल हो गया क्या, कहां तू जंगल जंगल में धूप में घूमते रहोगे, तोता मर जाएगा। बोले मैया ये संस्कृत का श्लोक बोलता है और राधा रानी की गला की आवाज जैसे, मैया मैंने कभी इतने सुंदर तोता देखा ही नहीं। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, मैं रखूंगी। बोले मैया ये गोपियां है ना, वो पीछे से उसको चुरा करके ले जाएंगे। बोले कोई चिंता मत करो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, इतने में वो सखी को मैया जसोदा बुला करके राधा रानी को पास में पहुंचा दिया। शंकर जी ने देखा सब कुछ, उन्होंने शंकर जी ने देखा
और वही तोता ही कौन है जब भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को राम लेकर गए, आप बता सकते हो किसको छोड़कर गए थे? लेकिन राम एक व्यक्ति को लेकर नहीं गए, सबको छोड़कर गए थे, सबको लेकर गए। किसको लेकर गए? कौन बोलेगा बोलो, सब चुप हो गए। हाँ हनुमान, इनके लिए ताली बजाओ। उन्होंने हनुमान को छोड़ कर गए। बोले क्यों? बोले हनुमान अगर तुम चले जाओगे फिर राम भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा? उसी तरह जब भगवान गए सबको लेकर के ठाकुर कृष्ण गए, लेकिन ये तोते को छोड़ कर गए। बोले क्यों? बोले तू हमारे सारे लीला को देखा, निकुंज में तुमने रहा, अगर तुम चले जाओगे तो मेरी भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा? केवल ये तोते को छोड़ कर गए। अब ये तोता बड़ा दुखी बड़ा परेशान, कृष्ण राधा चले गए मेरे को अकेले छोड़ करके। अब ये भ्रमण करते करते पहुंचे कहाँ पर? जब पहुंचे अमरनाथ में देखा वहां पर शंकर जी पार्वती को ही अमर कथा सुना रहे थे। ये तोता ने उसी अमर कथा को सुने और व्यास देव का पत्नी की गर्भ में प्रवेश किया। शंकर जी ने देखा यही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में भागवत कथा दुनिया को सुनाएंगे। जिस कथा सुन करके दुनिया सारा दुनिया जिसको सुन करके संसार से जिसको मुक्ति मिलेगी। शंकर जी ये सारे बात को देख लिया, बोले कथा सुनाना धन्य हो गया मेरा, कथा सुनाना मेरा सार्थकता हो गया। क्यों? यही तोता ही आगे कथा बढ़ाएगा, तभी आज हम ये कथा को सुन रहे हैं। शंकर जी तीन बार परिक्रमा की, प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जोर से बोलो, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। हाँ एक भजन सुन लो। हाँ देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताओ कितने समय से कितने समय तक कथाओं का आप लोग सुन सकते हो? आप लोग बोलो, क्योंकि हम लोग तो कथा सुनाने आए। हम आप लोग आपका घर गृहस्थी है ना, घर का रोटी जा करके बनाओगे, बच्चे होंगे, पति होगा, एकदम सही बताओ कितने समय पर आप आ जाओगे? ऐसे नहीं एक समय बोलोगे बाद में आओगे। अब जिस समय तक बोलोगे उसी समय पर हम कथा को आरंभ करके समाप्त कर देंगे। पीछे पीछे माताएं बोलो कितने बजे तक, अरे बोलो सबके सब बोलो कितने से कितने तक, पीछे पीछे बोलो माताएं, ठीक से बोलो ऐसे नहीं। हाँ वो कहते हैं चार से सात तक, कोई माता जी कह रहे हैं दो से पांच तक। हाँ चार से, और आप लोग बोलो कितने से, ऐसे नहीं दो बजे बोलोगे पांच बजे आओगे, जितने बजे बोलो उतने समय आना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। हाँ देखो अभी तो बहुत धूप है, बहुत धूप है, ऐसे समय में बोलो जो कि आसानी से आकर के सुन करके और आसानी से जा सकते हो। बोलो सबके साथ, आप लोग सब बोलो सब ठीक है। कथा के बाद में अब सबसे पूछ लूंगा, अभी सोच लो ठीक है। अरे आज तो पहला दिन कलश यात्रा थी, धूप भी था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लेट से शुरुआत किया है। आज हम जल्दी आपको छोड़ देंगे ठीक है। अभी तो 7 बज गया और आधा घंटा कथा करके आपका हम कथा विश्राम दे देंगे। फिर कल से आप जितने से जितने तक बोलोगे उतना से उतना समय तक कथा करेंगे। अभी आपको सोचने के लिए समय दे दिया, कथा को बाद में फिर प्रश्न करेंगे ठीक है। चार से बोलो श्री वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे हरे कृष्ण हरि बोल। मन बस गयो नंद किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो
I'm gonna make it.
शंकर जी स्वयं कहते पार्वती जो सत्यम शिवम सुंदरम जो योगी योगी महायोगी और देव देव महादेव स्वयं शंकर जी कहते पार्वती ये कथा सुन करके ही मैं अमरत्व को प्राप्त हूँ। जो जगदम्बा जगत जननी माँ स्वयं देवी जब तक ये भागवत कथा नहीं सुनी तब तक ये शरीर त्याग दी, लेकिन जब से भागवत कथा सुनी तब से सुनकी उनको भी अमरत्व की प्राप्त हुई। अगर हम भी अगर ये भागवत कथा सुनेंगे भैया हमें भी अमरत्व की हमें भी प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कथा सुनने का पहला लाभ है कि अमरत्व की प्राप्ति होगी। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है? बोले हम सबके सब संसार में दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी, सब दुखी दुखी है। लेकिन इस श्री राधा रानी कहती है कथा सुनने का दूसरा लाभ है कि जो तप्त जीवन है, जो दुखमय जीवन है, उसमें शांति मिले, समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कलमस अपहर। संसार में दुख कष्ट का कारण क्या है? बोले पाप है। हमने कोई पाप कर्म किया जिसकी वजह से दुख भोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनेंगे हमारे जितने पाप हैं वो सारे पाप भी हमारी धूल जाएगी। बोले चौथा लाभ क्या है? बोले कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारी मंगल होगा। इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम कथा है। जब से कथा सुनना शुरू कर दो तब से जीवन का सारे अमंगल हमारी दूर होती जाएगी, सारे अमंगल दूर हो जाएगी। बोले इसका पंचमा लाभ किया? बोले श्री, श्री मतलब शोभा है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी है, श्री मतलब होता है संपत्ति है, श्री मतलब होता है जस है। जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा उसको जगत में जस प्रतिष्ठा अर्थ धन दौलत ये सब कुछ चीज उसकी जीवन में प्राप्ति होगी। बोले दा मतलब क्या है? सप्तम लाभ किया है? बोले ये संसार का जो बंधन है, जो ये भागवत कथा सुनेगा उसकी संसार का सारे बंधन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन जगत में सबसे बड़ा लाभ किसमें है? जगत में सबसे बड़ा दान क्या दान है? राधा रानी कहती है ये भागवत कथा को जो दान करते हैं इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए आज जिन लोगों ने ये कथा की आयोजन की है अब उनके लिए ताली बजाओ। कम से कम इन लोगों ने ये 7 दिन तक हमें कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्रदान की है, इसलिए ये कथा की बड़ी महत्व है। लेकिन ये जो कथा की जो महिमा है, यदि ये 2 पुराण में ये कथा की महिमा आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंध पुराण। पद्म पुराण में 2 कथा आती हैं जिसकी महिमा में कहते एक ज्ञान और एक वैराग्य है और एक गोकर्ण और धुंधुकर्ण की कथा आती है। कहते ये ज्ञान वैराग्य कहते ये उत्पर्णा द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जब नारद जी वृंदावन में आए सर्वत्र भ्रमण करते करते देखा चारी तरफ में कली कली राजत्व कर रहा है, कली किसी को नहीं छोड़ा और संसार में
बोले जगत सत्य का संसार में स्त्रियों का ही बात चलता है, पुरुष लोगों का मैडमों की बात चलती है। बोले पति को बोले बैठे तो बैठे और उठो तो उठो। और संसार में परामर्श किससे लेते हैं? बोले साला को बुद्धिदायक, ये साला से ही बुद्धि लेते हैं। इसलिए बोले घर बिगड़े आला और घर कहते दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला। हमने देखा चारी तरफ भी कली किसको छोड़ नहीं रहा, आश्रम में कली की राजत्व है और धार्मिक स्थान में भी कली का राजत्व है, संसार में भी कली का राजत्व। कली किसी को नहीं छोड़ा, सारा दुनिया को पर ये कली प्रभाव विस्तार करके बैठा हुआ। उसने सोचा भैया वृंदावन में चलते हैं। बोले क्यों? बोले वृंदावन नहीं, ये राधा रानी हृदय है। राधा रानी कृष्ण सेवा करने के लिए अपना हृदय को ये वृंदावन धाम रूप में प्रकटित किया है। बोले श्री वृंदावन धाम की, इसलिए कहते हैं ना आली मोहे लागे वृंदावन हरि को, आली मोहे लागे। इसलिए वृंदावन राधा जी की हृदय है। बोले वृंदावन में चलते हैं। जमुना किनारे में देखा एक युवती बैठी हुई और उसका बगल में दो बूढ़े एकदम लेटे हुए और कुछ युवतियां जो बीच में बैठी हुई थी बड़ी सुंदरी उनको सेवा कर रहे थे सबके सब। इतने में नारद जी वहां पर आकर के देखा ये युवती कौन है। बोले अहम भक्तिर्विख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। बोले मैं भक्ति देवी हूँ, ये दोनों बूढ़े हैं, मेरे बच्चे हैं। बोले नारद जी जगत का नियम है, माँ होती है बूढ़ी, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं माँ बूढ़ी युवती, मेरे बच्चे बूढ़े हैं। बोले कैसे हो गए? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना टके जता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। इसलिए द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई और महाराष्ट्र में मेरी बड़ी हुई, कहीं कहीं आदर मेरे को किए, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो हो गई युवती। क्यों? कि राधा जी हृदय है दिव्य वृंदावन धाम, लेकिन वृंदावन में ज्ञान भरा को कोई पूछते नहीं, इसलिए ये हो गए बूढ़े। इसलिए नारद जी कृपा करो। बोले कोई चिंता मत करो, ठाकुर जी की स्मरण करो, जैसे द्रौपदी को भगवान ने रक्षा किया है, ठाकुर जी का स्मरण करने पर ठाकुर जी सारे दुख को दूर कर देते हैं। चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, मेरे तुम्हारे बच्चों को मैं जवानी दिला दूंगा। भक्त देवी प्रतिज्ञा करती हैं, अगर तुम मेरे बच्चों को जवानी दिला दिया तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारी हृदय छोड़कर कहीं जाऊंगी नहीं। उनको कान में वेद पुराण इतिहास एक एक करके जोर जोर से सुनाए, हे ज्ञान बजा के जग उठा, लेकिन जगे ही नहीं। लेकिन जब गीता सुनाए थोड़ी सी तो कोशिश किया उठने के लिए, गीता खत्म हुआ तो धड़ांग करके गिरे। बोले क्यों? गीता तो साक्षात भगवान की मुखंड सिद्ध बाणी, फिर उनको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बोले वहाँ 18 अध्याय में 6 अध्याय में कर्म योग, 6 अध्याय में भक्ति और 6 अध्याय में ज्ञान। यहाँ भी कहीं कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति है, इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान हुई नहीं, बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर भ्रमण किए। इतने में चतुसन बोले भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा से ही उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोले क्यों? बोले ये सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवत मिश्रते। ये जो श्रीमद भागवत है ये वेद पुराण इतिहास का सार ये भागवत है। बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् अति क्वचित्। अगर किसी ने भागवत रस को पान कर लिया तो उसको और किसी रस में भी आनंद नहीं आ जाएगा। बोले कहाँ पर सुनाए? बोले हरिद्वार में सुनाए। देखो कथा सुनने के लिए कौन कौन आए? बोले व्यास, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, मोह, जन, तप, सत्य लोग तक से भी लोग कथा सुनने के लिए आए। सर्वप्रथम तो वैष्णव लोग कथा सुनने के लिए आए। जितने सारे गंगा जमुना नदी दंडकारण नदी जंगल सब के सब आए। जो नहीं आए ना अगस्त ऋषि घर घर में गए। बोले सुने हो चतुसन हरिद्वार में भागवत कथा करने जा रहे हैं। भैया बड़े भाग्य से भागवत कथा सुनने को मिलता है, चलो सब के सब कथा सुनने के लिए चलते हैं। विश्व ब्रह्मांड उमड़े वहाँ कथा सुनने के लिए। ज्ञान वैराग्य स्वयं भक्ति को साथ में आए। जब चतुसन हरिद्वार में कथा प्रारंभ की
इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पारिजात पुष्प की बौछार की और भागवत की जयकार लगाए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जोर से बोलो। देखो ये स्वर्ग से देवता लोग भी जयकार कर रहे हैं, क्यों? देखो ये चीज को समझो, जब कहीं कथा हो ना, ये देवता लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले भागवत कथा हो रही है, वो भी स्वर्ग से पुष्प की बौछार करते हैं। ये मत समझो आप ही कथा सुनने के लिए आए हो, जहाँ कथा हो सारे देव देवता ऋषि मुनि नदी वो भी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए बोले बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतागर कथा प्रसंग। जहाँ भगवान अच्युत की कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। मतलब है जो कथा सुनते हैं वो सारे तीर्थ में उनकी नहाना एक साथ में हो जाती है। बोले कितना तीर्थ हमें नहाना होता है, पता है कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब तीर्थ है पृथ्वी में। कितना तीर्थ है, जोर से बोलो। आप बताओ 1 अरब कितना होता है? बोले 100 करोड़ों में 1 अरब होता है। 6 अरब मतलब कितना हो गया, 600 करोड़ में जो ये भागवत कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते 600 करोड़ तीर्थ में बैठी बैठी कर तुम्हारी स्नान हो गई। हम लोग को ताली नहीं हो जाए, इतने तीर्थ में नहा लिया, अरे बिना पैसा के नहा लिया। इसलिए इतनी महिमा कथा थी और ज्ञान वैराग्य जवानी होकर नाच उठे वहां पर। गोलक वृंदावन से स्वयं जुगल सरकार वहां पर प्रकट हो गए और नारद जी बिना बजा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में नृत्य कर रहे थे, अर्जुन वहां पर पखवज बना रहे बजा रहे थे और सारे इंद्र चंद्र देवता भी आकर के कीर्तन कर रहे थे और राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा इतने वहां पर लोग थे सब के सब भगवत लोक में चले गए। इतने में चतुसन को नारद जी ने पूछा, अगर कोई प्रेत योनि में अगर पड़ा हुआ हो, बड़ी कष्ट पा रहा है, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। देखो ध्यान देकर सुनो, आप लोगों को देखना, एक होता है पितर दोष, नाम सुने हो पितर दोष का? ये पितर दोष ऐसे की चीज है, अगर तुम्हारी पूर्वज लोग दुखी है, तुम्हारी घर में जितने धन दौलत क्यों नहीं हो, देखना उसको घर में शांति सुख नहीं रहता। बोले क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसका पितर लोग अभी शांति नहीं है, उसको पितर लोग को सुखी नहीं, इसलिए दुख कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जब ये भागवत कथा सुनते हैं ना, ये पितर लोग भी तरसते हैं हमारे घर में भागवत कथा कब हो, ये कथा कब सुने, हमारी मुक्ति कब, वो भी तरसते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जय भागवत कथा होगी, मतलब सारे पितर लोग भी सुन करके धन्य हो जाते हैं। जो परिवार वाले ये भागवत कथा करते हैं, इनका पितर लोग भी नृत्यंति स्वर्गे, स्वर्ग में हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। हमारे अहो भाग्य है, हमारे परिवार के लोग भागवत कथा करा रहे हैं, ये भागवत कथा से हमें मुक्ति मिले। इसलिए जो मृत्यु जो जिसको हो जाती है, यहाँ पर प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, बड़ा कष्ट उठा रहा है, किसी तरह से उसको उद्धार नहीं हो रहा है, मार्गी मुझे कहा गया, इसलिए कहते बड़े कष्ट उठा रहे, किसी तरह से उनको मुक्ति नहीं मिलती है, अगर ये भागवत कथा सुन करके उनको मुक्ति मिलेगी क्या नहीं, ये प्रश्न ये नारद जी चतुसन को करते हैं। चतुसन कहते क्या बोल रहे हो, अरे भागवत कथा सुनकर देखा है ना, यहाँ के तो इंसान की बात छोड़ दो, यहाँ जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी थे वहां पर,
जो कथा में बैठे हुए थे उनको भी भगवत गति वैकुंठ प्राप्ति हो गई। ये कथा के इतने महिमा। अब तू कहते हो कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ मुक्ति नहीं मिलेगी। देख तेरे को मैं कथा सुनाता हूँ। तब उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाई हमारे बीच में। हमारे श्यामानंद प्रभु जी आपको ये गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाएंगे। 10-15 मिनट आप लोग बैठे उसके बाद में कथा को आज हम विश्राम दे देंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। जय जय श्री राम। ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिखौरभक्तवृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्थ श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग समस्त रूपानुभव गुरुपाद पद्म सोपार्थ सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु युगल किशोर श्री राधा गोविंद जी, आप सभी भक्तवृंद कथा श्रवणकारी माताएं वैष्णव वैष्णवी स्रोत मंडली सबके चरणों में अधम का यथाजी दंड प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे किस प्रकार चतुर्सन जिस समय नारद जी को और ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी को इस महिमा को श्रवण करवा रहे हैं, तब नारद जी प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई अगर विशेष पापी क्यों ना हो उसको भी ये कथा अत्यंत पापी को भी ये सारे पाप को नष्ट कर देगा। तो चतुर्सन बोलते हैं कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह जगे न कलो पुनंतिते। अरे पापियों की बात तो छोड़ दो, जो भयंकर भयंकर पाप करके मर चुका है और मरने के बाद प्रेत बन गया है और भटक रहा है इधर उधर, कैसे हा हा करके भटक रहा है, कैसे मेरे मुक्ति हो कैसे मेरे मुक्ति हो, ऐसे मुक्तिवान प्रेत भी अगर, ऐसे मुमुक्ष प्रेत भी अगर इच्छा करे कि मेरे मुक्ति हो जाए और भागवत कथा को श्रवण करे तब उसका भी उद्धार हो। तो नारद जी बोलते हैं किस प्रकार, तब वहाँ पे एक इस प्रसंगों को श्रवण करवाते हैं कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव और बड़े धनीवान थे और इनको बोला जाता है स्मार्त द्वितीय एव भास्कर। और स्मार्त में ये बड़े पंडित थे और द्वितीय एव भास्कर बड़े वेदज्ञ थे, लेकिन इनके पत्नी बड़े खतरनाक थी। इनके पत्नी का नाम थी धुंधुली, बड़े खतरनाक। पत्नी पति जितना उत्तम और पत्नी उतना ही खतरनाक। जब तक लड़ाई ना हो जाए, जब तक पति से लड़ाई ना हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए, तब तक उसके पेट में चैन नहीं, उसको खाने की चीज पकाया ही नहीं जाता है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। कृपहा कलह प्रिया, कृपणा कलह प्रिया, बड़े कृपण और कलह प्रिया, हर समय लगन नहीं झरने का उसका बुद्धि स्वभाव था। सब चीज होने पर भी उनका एक चीज का बड़ा अभाव था, वो है बेटा। पुत्र संतान उनका कोई भी नहीं था। तब आत्मदेव बड़े परेशान हो गए और एक दिन बोले कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, जंगल के और भाग गए और सोच रहे हैं कि मैं अभी आत्महत्या कर दूंगा। जंगल में जाके एक सरोवर में जल पान कर रहे थे और वहाँ पे भगवत इच्छा से एक साधु महात्मा आ गए। साधु महात्मा देखने लगे, अरे ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं, ब्राह्मण ही हैं, बड़े तेजमयी हैं, ये रो क्यों रहे जंगल में, कथम रोदस्य विप्रत्वम, पूछने लगे हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो। जैसे ही साधु को देखने लगे आत्मदेव, तब सर पटक पटक कर और रोने लगा, बोलता है कि प्रभु आपके दया से मुझे सब कुछ प्राप्त है, सब धन संपत्ति सब है, और लेकिन एक चीज का अभाव है, वो है पुत्र का अभाव, आप मुझे बेटा दे दो।
साधु महात्मा बोले राम राम, मैंने तो सोचा था जंगल में भजन कर रहा है, जंगल में आकर रो रहा है, प्रभु के लिए रो रहा होगा, ये तो हा पुत्र हा संसार बेटा के लिए रो रहा है ये। तो बोलते हैं देखो, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणागते विवेकम तो क्षमाशाद्यम तेज संसार वासना। ये संसार के वासना को छोड़ दो, कौन किसका पुत्र कौन किसका पत्नी, ये पुत्र पुत्र के बात को मोह को छोड़ दो और सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास ले लो। तब आत्मदेव को उसके सर पे तो भूत चढ़ा हुआ है पुत्र का, और बोलता है बाबा आप मुझे ज्यादा प्रवचन मत दो, आप मुझे ज्यादा बात मत बताओ, आपसे अधिक जानता हूँ मैं, आप क्या जानोगे साधु वैरागी। घर में अगर घर में जाओ अगर छोटे छोटे बच्चे पापा पापा किलकारी नहीं सुनाई दे तो वो गृहस्थ ही क्या है, वो निरस गृहस्थ तथा वो गृहस्थ निरस है, लेकिन मूर्ख उसको क्या पता था। तब साधु ने उनको बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं, लास्ट में साधु अंतिम में बोलते हैं सप्त जन्म अवधि नैव नैव च तव पुत्र नैव च, तुम एक जन्म की बात क्या कर रहे हो, सात जन्म तक मैं तुम्हारे माथे की रेखा देख के बता रहा हूँ, भविष्य देख के बोल रहा हूँ, सात जन्म तक तेरा कोई पुत्र नहीं होगा। इतना सुन के तो आत्मदेव सर पटक पटक के रोने लगा, बोलने लगा कि महात्मा मैं सोच रहा था आप मेरा थोड़ा दुख को कम कर दोगे, आप तो सात गुना बढ़ा दिया, इस जन्म में रो रहा हूँ सात जन्म तक रोना पड़ेगा, आपने तो ज्यादा दुख उल्टा दुख दे दिया, अब आप अगर इसका कुछ उपाय नहीं करोगे तो तद आग्रह प्राण त्याग, मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा। महात्मा बोले अच्छे खासे में जा रहा था, राम राम अपने जगह पे कहां पूछ दिया और कहां फंस गया मैं, ठीक है एक फल दे दिए कृपा पूर्वक, और लो इस फल को अपने पत्नी को दे देना, और सत्य सोच आदि रक्षा करते हुए नियम को पालन करोगे तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा। इतने सुनकर तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गया, जंगल में आया था मरने के लिए और दौड़ दौड़ के नाच नाच करके फल को लेके घर में चला गया। बोलते हैं धुंधुली ओ महाभाग सुनते हो जल्दी आओ, बोले सुनते हो जल्दी आओ। धुंधुली सोचने लगी सुबह से गए थे और शाम को आ रहे हैं, लग रहा है कोई बड़े कुछ माल लेके आए होंगे मेरे लिए, दौड़ते हुए आए। बोलते क्या लाई हो, बोले तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। धुंधली सर पटक करके बोल रही है फल क्या मैंने कभी देखा नहीं, फल क्या मैंने कभी खाया नहीं, मैंने तो सोचा आप मेरे लिए नौ लखे के हार लेके आए होंगे, सुबह से गए थे शाम को आ रहे हो ले रहे हो फल ला रहे हो, चलो दे दो। तो आत्मदेव बोलते हैं बावरी ये फल साधारण नहीं है, ये फल को खाने से पुत्र होगा। अच्छा फल को खाने से पुत्र होगा, ठीक है दे दीजिए, नहा धो करके भोग लगा करके खा लूंगा। अब फल को लेके धुंधली बैठ गई, सोचने लगी फल को खाऊं या नहीं, कहीं किसी ने जादू टोना करने के लिए तो मेरे पति के हाथ में फल ना पकड़ा दिया हो, कहीं कोई ये किस कारण से किस खराब उद्देश्य से फल तो नहीं पकड़ा दिया मेरे पति को और मेरे पति ले आए हैं। इतने में पड़ोसी आ गए, पड़ोसी बोलते है भाई, बोले धुंधली बहन काफी तुम लग रहे हो कि जैसे परेशान लग रहे हो तुम। तब धुंधली बोलते देखो पति को आज किसने बाबा साधु ने फल पकड़ा दिया और बोल रहे हैं फल खाने से पुत्र होगा, अब तू ही बता बहन फल खाने से कहीं पुत्र होता है, फल खाने से कहीं पुत्र होता है क्या, बोले नहीं तू ही बता दे। तब वो बोलते हैं कि देखो साधु संत का ऐसे जो फल है बड़ा दिव्य महिमा है साधु संत का फल का, इसलिए ये फल खाने से निश्चित रूप में पुत्र होगा। बात तो सही है लेकिन एक बात बता, अगर जब गर्भवती अवस्था हो जाता बड़ा पीड़ादायक होता है बड़ा दर्द होता है और उसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, अब शरीर दुर्बल जब हो जाता है तो दुर्बल शरीर को सब सताते हैं, अब तू ही बता इस समय कोई किसी का हिम्मत है मोहल्ले में मेरे सामने खड़े होके बात करने के, अब सब अगर मैं दुर्बल हो जाऊंगा तो सब मेरे ऊपर आके लड़ाई करने लगेंगे, लड़ाई बुद्धि है ना इसलिए ऐसे सोच रहे। और बोलता है देखो अगर घर में भूकंप आ गया तो, घर में चोरी आ गया तो, डकैत पड़ गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरे पेट आगे आ जाएगा मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, तो कैसे कैसे कुतर्क दिया। और अंतिम में बोल रहा है कि देखो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जो अपने माता के गर्भ में 16 साल तक रुके थे और दुर्भाग्य से ये बेटा आ गया, पुत्र संतान एक दो साल मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा तो जय सिया राम हो जाएगा,
तत्फलं नैव भक्षिता एवं कुतर्क योगिनम्। इस प्रकार कुतर्क से उस फल को नहीं खाया, और जिस समय पति ने पूछ लिया कि बोले फल खा लिया, बोले हाँ फल खा लिया। शाम के समय उसके बहन आए और बहन को सारे घटना बताया, तो बहन बोलता है देखो तुम में और मुझ में क्या अंतर है, मेरे जो अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर में कोई खाने का नहीं है, और तुम्हारे घर में, मेरे घर में खिलाने के लिए नहीं है, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, तुम मेरे पुत्र ले जाना और बदले में मुझे कुछ धन संपत्ति आदि दे देना। फल का बड़े प्रसन्न हो गए, बोलते एक मिनट में तुमने समाधान कर दिया, बहन हो तो तेरे जैसे। अब पतिदेव पूछते हैं असर कर रहा है फल का, बोले हाँ असर कर रहा है। अब उसी फल को गाय को खिला दिया, साधु का फल को। और इस समय काल क्रम में जब समय व्यतीत हुआ, धुंधली के जो छोटे बहन का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने चुपके से रातों ही रात आके धुंधली को गर्भ, धुंधली के गर्भ में दे दिया, धुंधली के गोद में दे दिया। तो धुंधली दिखा के बोलते है लो जी घर में संतान भय हुए, घर में एक पुत्र हो गया है। तब आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा राज्य में, पूरा नगर में बड़े बड़े उत्सव मनाया करते हैं। और इधर जो गाय को दिया हुआ फल, साधुओं का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिस फल को गाय को खिलाया था उसी गाय ने भी एक दिव्य अद्भुत रूपम तस्यम, एक दिव्य अद्भुत रूप वाला एक गाय ने एक मनुष्य का ही वहां पे पैदा किया। तब लेकिन मनुष्य जैसा तो था, लेकिन उसके जो कान था वो गाय की तरह था। तो आत्मदेव ने सोचे कि दोनों के नामकरण कर दिया जाए। तो जैसे ही आत्मदेव नामकरण किए, गाय का कान होने के कारण उनका नाम दे दिया गोकर्ण। क्या नाम दिया? गोकर्ण। गाय का कान जैसा दिखने वाले का नाम दे दिया गोकर्ण। अब जैसे ही धुंधुली के पुत्र के नामकरण करने जा रहे थे, धुंधुली आके खड़ी हो गई, बोले इतने महीने तक मैंने कोख में धरी है, आप नाम कर दो, मेरे बेटे का नाम मैं ही करूंगा। बोले ठीक है भैया तुम ही कर लो, देखो मेरे नाम धुंधुली और मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। अब गोकर्ण तो हो गए विख्यात और धुंधुकारी हो गया कुख्यात। गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण बड़े पंडित हुए, बड़े विद्वानी हुए, और धुंधुकारी महाखल, लूट लपेट चोर डकाइत ये सब करने लगा। देखो महाखल, खल में ख और ल दो वर्ड है, खा में खाना और ल में लड़ना, ये दो ही चीज हो गया धुंधुकारी का, दो ही चीज में पूरा प्रवीण हो गया। और हर जगह डकाइती मार आदि करने लगा, नगर में हाहाकार मच गया। अब पिता को सब समझ में आ गया, पिता को सब चीज समझ में आ गया कि पहले साधु संत महात्मा मुझे समझा रहे थे, लेकिन जिस समय प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता तब कोई भी इस चीज को ग्रहण नहीं करता। अब पिता बड़े दुखी हो गए। इसी समय गोकर्ण महाराज वहाँ पे आते हैं और पिता को बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। बोले पिताश्री आप इतने दुखी क्यों हो, आपके दुख का क्या कारण है? आपको पहले से जो साधु सन्यासी ने समझाया था, फिर भी आपने उनको समझा नहीं। देखो इस जगत में इंद्र से लेके राजा तक और बड़े बड़े देवता भी इस जगत में सुखी नहीं है, इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है। सुतंकश्य धनंकश्य नते ज्वलवान्निशम्। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पति है, कौन किसका संबंधी है, ये सब इस जगत में सारे नश्वर है, और इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। केवल एकमात्र सुखी कौन है? ना जो भगवान का निश्चय दास है वही वास्तव में सुखी है। न चंद्र से सुखम किंचिन, सुखम न चक्रवर्तिना, सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनम। इसलिए आप हे पिताश्री, आप वहाँ पे विशेष करके गोकर्ण ने दो श्लोक में अपने पिताजी को बड़े सुंदर रूप में समझाया। बोल रहे हैं कि देहे अस्ति मांस रुधिरम अभिमतम त्यजत्वम जायाश्रुतादिषु पश्य निशां जगदीदवन्दम।
देहे अस्ति मान सरुधिरम अभिमत त्यजतम दया सुतादि सुख क्षण ममताम विमुंचम। ये देखो हमारे जो शरीर है, इस शरीर में दो ही चीज विशेष करके है, एक है अहमता और एक है ममता। शरीर को हमने, आत्मा को हमने अपने शरीर को मान लिया मैं हूँ, जो क्षण भंगुर है, जो नष्ट हो जाता है। और जो ममता, जाया सुता यानी पत्नी पुत्र आदि परिवार में विशेष करके ममता हो जाता है। आप ही बताओ, पत्नी पुत्र परिवार अंतिम समय में जाते हैं क्या? बोले नहीं। पश्यानिशं क्षण दिदं जखण भंग निष्ठम वैराग राग भक्ति निष्ठम वैराग राग रसिक भव भक्ति निष्ठम। इसीलिए ये जगत क्षण भंग निष्ठ है, ये जगत का ध्वंस, ये जगत निश्चित रूप में एक विनाश चीज है। इसलिए यहाँ जो भी संबंधी वस्तु है वो भी निश्चित रूप में विनाश है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए अभी? न धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषांजहि कामतुष्णम अन्यस्य दोष गुण चिन्तमाशु मुक्ता सेवा कथारसमः नितरां पिबत्वम्। ना आपको अन्यस्य दोष गुण चिन्तमाशु मुक्ता, दूसरे को हमको ना गुण देखना है ना दोष देखना है। अच्छा, दोष देखने का ही तो मना किया है, गुण देखने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? देखो, दोष देखने से उनके प्रति घृणा होगा और गुण देखने से उसके प्रति आसक्ति हो जाओगे। इसलिए ना गुण देखो या ना दोष देखो, और क्या करो, ना साधु सेवा करो, और साधु सेवा करते करते किस भाव में साधु सेवा करो? ना नितराम पिबत्वम सेवा कथा, जो भगवान की कथा रूपी अमृत है उसको निरंतर पान करो। इस सत्संग के महिमा से, इस कथा को श्रवण करके, गोकर्ण के उपदेश सुन के आत्मदेव तो भजन करने के लिए चले गए, और आत्मदेव भी देख लिया कि यहाँ तो अब ठहरना मुश्किल हो गया, अब आत्मदेव भी तीर्थ करने के लिए चले गए। और धुंधुलिनी ने भी बड़े अत्याचार ना सहन करते हुए कुएं में कूद करके अपने प्राण आत्महत्या कर दिया। अब यहाँ पे धुंधुकारी बड़ा क्रोध, बड़ा चोर डाकू लुटाई ये सब करने लगा, पांच पांच वेश्या को घर में लाके रखने लगा और वेश्या संग करने लगा। एक समय राजा के यहाँ डकैती करके बहुत सारे धन संपत्ति को ले आया और वेश्या को दे दिया। अब वेश्या लोग, पांच पांच वेश्या लोग सोचने लगे, भैया ये ऐसे ऐसे करके चुरा के लेके आएगा तो एक दिन हमारा निश्चित रूप में, हम भी इसके साथ ही कारागार में चले जाएंगे, एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। अब इतना सोच करके वेश्या ने सोचे कि कहीं ना इसको यहीं से काम निपटा दिया जाए। चारों वेश्या ने मिलके उसके हाथ पैर को बांध दिया और उसके मुंह में उसको गला दबा करके उसको मार दिया, और उसके मुंह में जैसे नहीं मर रहा था तो अंगार, जलती हुई अंगार को उसके मुंह में डाल दिया, और वहीं पे उसको गाड़ करके सारे धन संपत्ति लेके चले गए। अब यहाँ गोकर्ण को तीर्थ यात्रा में पता चला कि धुंधुकारी का मृत्यु हो चुका है, तो गया में श्राद्ध देके और पुनः सारे जगह पिंड दर्पण आदि करके तीर्थ यात्रा करके फिर पुनश्च अपने गांव में आते हैं। गांव में आके अपने घर में ही विश्राम कर रहे थे और रात्रि के समय में उनको अचानक से भयंकर भयंकर भेड़िया, भयंकर भयंकर हाथी, कभी कभी किसी जलते हुए स्वरूप ऐसे करके दिखने लगे। तो उन्होंने कमंडल से जल लेके जैसे ही छिड़क दिया तो धुंधुकारी, वो जो प्रेत योनि में था, वो धुंधुकारी बोलने लगा कि भैया मुझे आप पहचान नहीं पा रहे हो, मैं आपके वही भ्राता धुंधुकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेणम ब्रह्मत्व नाशितम मया, मैं अपने ही दोष से मेरा ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और वेश्या ने मुझे मार दिया, अकाल मृत्यु हो गया, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो पाया, प्रेत योनि हो गया, आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। इतने कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर बाद में गोकर्ण महाराज जी ने सुबह सुबह उठ के सारे ग्रामवासियों को बोलते हैं कि इस प्रकार का प्रेत का किससे उद्धार किया जाएगा, कोई भी कुछ उत्तर नहीं दे पाते। भगवान सूर्य नारायण वहां से आकाश ध्वनि करते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम कथा को सुनाओ, इससे ही निश्चित रूप में उद्धार होगा। बोल श्रीमद् भागवतम कथा की। अब जैसे ही भागवत कथा श्रवण सुनाने लगे, उसी समय पे कथा आरंभ करने लगे, तो ये धुंधुकारी भी वहां पे देखा कि एक बांस था और एक बांस के अंदर आके धुंधुकारी आश्रय, वायु प्रधान शरीर था इसीलिए बांस के अंदर आश्रय लेके
कथा सुनने लगा। जैसे ही एक दिन कथा खत्म हुआ, एक बांस का एक गांठ चटक गया। दूसरे दिन कथा में दूसरे गांठ, तीसरे दिन में तीसरे और सात दिन में सात गांठ चटक गया। और दिव्य रूप धरे जात तुलसी देव मंडिता, दिव्य रूप धारण करके, तुलसी माला धारण करके, धुंधुकारी बड़े सुंदर भगवान के स्वरूप को धारण करके, भगवान के जो पार्षद के स्वरूप को धारण करके प्रकट हो गए। और ऊपर से देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि भगवान के पार्षद उनको विमान में लेके आ रहे हैं और विमान में बिठा रहे हैं। तब धुंधुकारी भागवत जी के जय जयकार करते हैं, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य हो ये भागवती, धन्य ये भागवत कथा, जो प्रेत जैसे मुझ जैसे प्रेत को भी उद्धार कर दिया, प्रेत पीड़ा को भी विनाश कर दिया। अहो धन्य, अहो धन्य। और एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति, जगत में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो मुक्ति देने के लिए जो हाथ उठा करके खड़े कर दे, लेकिन एकम भागवतम शास्त्रम ये मुक्ति दाने न गर्जति, ये गर्जन करते हैं, क्योंकि ये स्वयं अमृत वस्तु है और भगवत धाम को ले जाने वाली चीज है। तब इतने में सारे लोग वहां पे गोकर्ण में प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे तो भैया सब लोग कथा सुने, एक ही विमान क्यों आया, पूरे ग्रामवासी कथा सुने कि नहीं, एक ही विमान क्यों आया, बहुत सारे विमान आना चाहिए था। तब वहां पे विष्णु दूत बोलते हैं कि श्रवण से विवेद न फलम तृप्यम इति दृश्यते, श्रवण का सबने तो यहाँ पे कथा सुना, लेकिन मुमुक्ष रूप में किसी ने भी कथा नहीं सुना, किसी ने भी कथा का मनन नहीं किया, केवल ऊपर ऊपर से ही श्रवण किया। तो देखो ये विष्णुदूत स्वयं बोलते हैं, ये भागवत स्वयं बोलते हैं कि कथा किस प्रकार सुनना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मन दोष जयश्चैव स्वस्मिन् दीनत्व भावना। विश्वास गुरु वाक्येषु, विश्वास गुरु वाक्येषु, गुरुदेव की चार चीज को बता रहे हैं। जो कथा के, कथा में सबसे बड़ी बात है विश्वास। जगत के सारे चीज पे हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कथा में हम विश्वास नहीं करते, कथा में हम विश्वास नहीं करते, इसीलिए ये पूर्ण रूप में फल प्रदान नहीं करता। और दीनहीन भाव में, दीनहीन भाव में, और कथायाम निश्चला मति, निश्चल मति में, जिस प्रकार हनुमान जी सुनते हैं, और हनुमान जी को सब जानते हो कि नहीं, बोलो हनुमान जी को सब जानते हो कि नहीं, कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, फिर भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां भगवान के कथा होता है वहां वहां पर हनुमान जी नित्य विराजमान करते हैं। राम कथा सुनिवे को रसिया, ये राम कथा को सुनने के लिए रसिया है, रसिक जन है। और किस प्रकार कथा सुनते हैं, ऐसे नहीं कि कथा में आके बैठ गए, सबसे पहले कथा में आए, कथा के स्थान को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, व्यास गद्दी को प्रणाम किया, कथा भक्ता को प्रणाम किया, सारे भक्तों को प्रणाम किया, और अत्यंत दीनहीन भाव से, अत्यंत प्रेम पूर्वक भाव से टकटकी लगाकर पूरा एक एक चीज जैसे छूट ना जाए ऐसे भाव में, और आँख से अश्रु निकलते हुए इस प्रकार हनुमान के जैसा कथा सुनना चाहिए, और निश्चल मति में कथा सुनना चाहिए। जब इस प्रकार के बात कहकर धुंधुकारी को लेके विष्णुदूत चले जाते हैं, तब गोकर्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, इस बार गलती कर दिया, अगले बार को फिर से अच्छे से श्रवण करना। फिर दूसरे महीने यानी सावन के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में फिर से ये कथा को शुरुआत करते हैं, और इस बार जब सब लोग ने ध्यान दे के कथा को सुना, और जैसे ही ध्यान दे के सुना, इस बार विष्णुदूत नहीं आए, इस बार स्वयं भगवान गोलक बिहारी प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रकट होके गोकर्ण को हृदय से लगा लिया, धन्य हो गोकर्ण, तुम खुद भी उद्धार करते हो, अपना भी उद्धार करते हो, और सारे भक्तों को उद्धार करते हो। बता रहे हैं कि पूर्व काल में जिस प्रकार अयोध्या में राम जी अपने सारे भक्तों को लेके गए थे, इस प्रकार गोकर्णम कृपया तदा तद्ग्रामे जे स्थिता अश्व चांडला सुकरा। बता रहे हैं कि उस गांव में जो सूकर, मनुष्य की बात छोड़ो, उस समय उसी स्थान पे जो कीट पतंग अश्व चंडाल ये जो भी उस स्थान पे थे, सब लोग दिव्य रूप धारण करके वहां पे भगवान के वैकुंठ दिमाग में बैठ करके फिर दिव्य धाम पे गए। और जैसे ही भगवान वहां पे प्रकट हो गए, तो भगवान अकेले नहीं आते,
भगवान जैसे ही आ गए उस स्थान पे, सारे भगवान के पार्षद आ गए। प्रहलाद स्थल धारी तरल गति तयाच उद्धव कांस धारी वीणा धारी सुरश्य सुर कुशल तयाय अर्जुन इंद्र वादि मृदंग जय जय सुकरा कीर्तन ते कुमारा जत्रागे भाव भक्ता सरस रचन तया व्यास पुत्रो बभूम। प्रहलाद ताल धारी, प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए ताल बजाते हुए, और वीणा धारी सुरर से वीणा बजाते हुए नारद जी प्रकाशित हो गए। वहां पे राग देने वाले अर्जुन प्रकट हो गए, और इंद्र मृदंग बजाने लगे, और उनके सामने व्यास पुत्र ये सुखदेव गोस्वामी बड़े भाव भंगी नृत्य से नृत्य करने लगे। देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, अक्षर नाग जख्य आदि नृत्य करने लगते हैं, दुंदुभी आदि शंख वाद्य होने लगता है, हरि बोल ध्वनि होता है, और सारे के सारे भगवान के पार्षद गण भगवान के जितने भी भक्तों को लेके नित्य धाम में ले जाते हैं। इस प्रकार ये भागवत जी का महिमा है, और इसी प्रकार का गोकर्ण और धुंधुकारी का उद्धार हुआ। बोले बल भक्त वशल भगवान की श्रीमद भागवतम कथामृतम की जय। हरे कृष्णा। देखो जब भागवत कथा सुने सभी के लिए एक रथ आया, सबके सब भगवान का धाम में गए। जब हम भी कथा सुनेंगे ना, हम सभी के लिए भी एक रथ आएगी भगवान का धाम से। आप बताओ कौन कौन जाएगा रथ में बैठ करके ठाकुर के पास में? हाथ उठाओ कौन कौन सचमुच से रथ आ गया तो कौन जाएगा? मुझे लगता नहीं कोई जान जाएगा, ये तो भाग जाएगी यहाँ से रथ चलाया था। बोलेगा बेटी की शादी नहीं हुआ, पति को कौन भोजन कराएगा, अभी घर में बेटा भी छोटा है, अभी इनको कौन खिलाएगा? इसलिए कोई चिंता मत करो, जब तक संसार से ये आसक्ति नहीं हटेगी ना तब तक उधार होने वाले नहीं। कोई चिंता मत करो और को भागवत कथा सुनो, ठीक है? आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब आप कथा में आओ अकेले मत आओ, सुना ना, जब पत्नी आए तो पति को लेकर, पति आए तो पत्नी को लेकर के। और गुरु जी कहते थे एक एक भक्त लोग दस दस लोगों को लेकर के आना। कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे? अरे बोलो कितने कितने भक्तों को? दस दस। गुरु जी कहते थे, बड़े गुरु जी कहते जिनको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगा, वो लाने वालों को उसका आधा 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 पुण्य मिल जाएगी, गुरु जी कहते थे। आप बताओ कितने भक्ति तुम्हारी होगी? इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आना। आप बताओ कितने बजे से कथा हो रही होनी चाहिए? कितने जोर से बोलो? चार। ठीक है, चार से लेकर के आप लोग ठीक चार से आ जाइएगा। हम कोशिश करेंगे एकदम 7 बजे कथा को हम विश्राम दे देंगे, जल्दी विश्राम दे देंगे। 3 बजे से? एक माता जी कहते 3 बजे से रख लो। आप लोग बताओ सही 3 बजे? हाँ 3 बजे का तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, फिर घर से कोई निकलेगा नहीं। 4 से लेकर 7 बजे तक, ठीक है? हाँ अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे, सब एक बार खड़े हो जाओ, एक भजन में खूब नृत्य करना और फिर प्रसाद लेके जाना। प्रभु जी तेरे राम की ओड़ चुनरिया, तेरे राम की ओड़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हाल हो गई मेरी कावरिया के प्यार में। Thank you.
Oh,